जनपद के टॉपर हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को सम्मानित कर हौसला बढ़ाया। कहा, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। आज दिनांक 29/6/2020 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के परिणाम आने के बाद जिले के टॉपर को दीवान न्यायालय के ADR सेंटर पर सम्मानित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश शिवेंद्र कुमार मिश्र ने सर्वप्रथम जिले के नाम रोशन करने पर सभी मेधावी विद्यार्थियों को उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी तथा निरंतर कड़ी मेहनत, लगन, धैर्य और ईमानदारी से अपने लक्ष्य के पथ पर बने रहने की बात बताई है। उन्होंने बताया कि इस दुनिया में कोई भी बड़ा लक्ष्य नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। आप अपने लक्ष्य के प्रति ऐसे ही दृढ़ बने रहें ताकि भारत के भविष्य के सूत्रधार बनने में अपनी उपयोगिता सिद्ध कर सके। देवरिया से ब्रजेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जो जनपद में अभी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, उसमें जो जनपद का नाम रोशन किया है, ऐसे छात्रों का, छात्राओं का, विद्यार्थियों का आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सम्मान किया है, प्रोत्साहित किया है और उन्हें और अच्छा करने की प्रेरणा दी है। देश में बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि के विरोध में पीस पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। पीस पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार पेट्रोलियम पदार्थों में मूल्यों में वृद्धि करके देश की अर्थव्यवस्था को अव्यवस्थित करने का काम कर रही है। मूल्य वृद्धि से आम जनमानस परेशान है, प्रमुख रूप से देश का किसान इससे अधिक प्रभावित है। डीजल के मूल्य वृद्धि के कारण सड़क के रास्ते, माल की ढुलाई के कारण आवश्यक वस्तुओं के मूल्य वृद्धि की प्रबल संभावना है, जिससे आम जनमानस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। पीस पार्टी पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि का विरोध करती है। मूल्य वृद्धि के विरोध आज हम पेट्रोल व डीजल के बढ़े मूल्य वापस लेने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते। हमारी मांगे निम्नवित हैं। केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में आ रही गिरावट अनुसार देश में पेट्रोल व डीजल की न्यूनतम कीमत तय करे। केंद्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थों के बड़े मूल्यों को तत्काल वापस ले। वर्तमान समय में कोरोना जैसी महामारी के कारण बेरोजगारी बढ़ी है। ऐसी स्थिति में पेट्रोल व डीजल के मूल्य वृद्धि में अनुचित व जनमानस को परेशान करने वाला है। आज हम लोग केंद्रीय नेतृत्व द्वारा पूरे देश में पेट्रोल डीजल की जो दाम बढ़ रहा है उसी को लेकर हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं महामहिम राष्ट्रपति। जब तक तेल की कीमत वापस नहीं होगा तब तक हमारी पार्टी क्या क्या मुख मांगे हैं आपने? यही पेट्रोल डीजल आज मुख मांगे में रखे हो। आपने 8 बिंदुओं पर कहा 8 बिंदु वाला तो पहले था, वो सैनिकों के लेकर था, वो हो गया। आज केवल पेट्रोल वाला मांग पूरी नहीं होती क्या करेंगे हम लोग? फिर इसी तरह हल्ला करेंगे, कभी चक्का जाम करेंगे। हम लोग थोड़ा नियम का पालन कर रहे हैं, कोरोना को लेकर हम लोग शांतिपूर्ण बिल्कुल हम लोग प्रयास किए हैं। कहीं भीड़ भाड़ हो गई होगी, पीछे से गाड़ी इधर उधर हो गया होगा, लेकिन हम लोग नियम का पालन किए हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।